स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। राजौरी ज़िला के नौशहरा इलाके में जो है इको गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में दो लोगों की मौत वाक़ हुई है और दीगर जो छः लोग इस गाड़ी में सवार थे वो बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें फ़ौरन वहां से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशहरा तो शिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें GMC राजौरी का जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये इको गाड़ी जो है JK11G7794 जो है ये पीर बडेश्वर लाम जो ठंडी कसी का ये इलाका है वहाँ पर सड़क हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी तेज़ रफ्तारी में चल रही थी और जब एक कर्व आया, यानी कि जब एक मोड़ आते ही ये गाड़ी पलट गई और काफ़ी नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में जो ड्राइवर है अरुण कुमार, जिसका नाम है सनफ हेमराज, उम्र 32 साल, इसकी मौके पर मौत हुई और ड्राइवर के साथ ही जो व्यक्ति मोहम्मद दीन सनफ फ़कीर मोहम्मद, जिसकी उम्र लगभग 65 साल बताई जा रही है, जो बगला इलाके का रहने वाला है नौशहरा का, उसकी भी मौत वाक़ हुई है। दीगर जो इस हादसे में 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं उनका नाम भी आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, जिनमें आतिफ असलम पुत्र मोहम्मद असलम, जिसकी उम्र 10 साल है, मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद दीन, जिसकी उम्र 40 साल है, जरीना वाइफ ऑफ अकरम, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, आसिया सदीका डॉटर ऑफ मोहम्मद असलम, जिसकी उम्र 5 साल बताई जा रही है, और रज़ा सनफ मोहम्मद असलम, जिसकी उम्र महज 5 साल बताई जा रही है, और शाहिदा बेगम जो है वाइफ ऑफ मोहम्मद असलम, जिसकी उम्र 40 साल है। ये वो 6 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन इस नतीजे में 2 लोगों की मौत वाक़ हुई है और BMO जो नौशहरा हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मलिक, उनकी जानकारी के मुताबिक जो है इनका इलाज मुआवजा जो है चल रहा है। और ये इको गाड़ी जो है नौशहरा के सरहद से ये सटा हुआ इलाका है और काफ़ी तेज़ रफ्तारी भी जो है बताई जा रही थी कि ये गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तारी में चल रही थी, जिसके नतीजे में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। आज सुबह ही एक दुखद खबर जो है वो निकल कर सामने आई राजौरी के नौशहरा सब डिवीज़न ये जो इलाका है वहाँ से, कि एक इको गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई, जिसमें ये तमाम तर जो जानकारी आप तक पहुँचाई गई है, क्योंकि काफ़ी खबरें गश्त कर रही थी कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, हालाँकि जो तस्दीक हो चुकी है जिस चीज़ की कि 2 लोगों की मौत वाक़ हुई है, मज़ीद 6 लोग घायल हैं। इको गाड़ी जो है वो नौशहरा के लाम पीर बडेश्वर का ये जो इलाका है वहां पर सड़क हादसे का शिकार हुई है।